हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता कुकिंग विद ममता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी आज की रेसिपी का नाम है धुस्का। ये चने की दाल और चावल से बनता है और इसे आप आलू टमाटर की सब्जी के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स लिखकर हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज कैसे लगते हैं। तो चलिए देखते हैं ये धुस्का कैसे बनते हैं। इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ हमने एक कप चावल ले रखा है, आधा कप चने की दाल है, ये रिफाइंड ऑयल, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा और नमक हमने यहाँ पर ले रखा है। आइए देखते हैं इन्हें कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने जो ये चावल और दाल ले रखा है, इन दोनों को हम धुलकर 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगा देंगे, जिससे कि ये फूल जाए। ये देखिए, हमारे दाल और चावल बिल्कुल फूल गए हैं। अब हम इन्हें पीसने की तैयारी करते हैं। अब हम एक जार में 1/2 टीस्पून जीरा, ये हम 5 हरी मिर्च यूज कर रहे हैं, और यहीं पर हम 5 लहसुन यूज कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं। और फिर अब हम इसमें अपने दाल और चावल को डालकर पीस लेंगे। इस तरीके से हम दाल और चावल दोनों को एक साथ पीस कर गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, हमारे दाल और चावल अब पीस गए हैं, और अब हम इसमें हम नमक को ऐड करेंगे। हम यहाँ 1.5 टीस्पून नमक इसमें डाल रहे हैं, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। हमारे धुस्का का बैटर अब बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आपको थिक रखनी है, बहुत पतली नहीं रखनी है। अगर आप पतला कर देंगे तो ये जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेल को सोक कर लेंगे, इसलिए आप बहुत पतला नहीं रखिएगा। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। ये देखिए, हमने एक पैन में तेल को गर्म कर लिया है, और अब हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा गोल इसमें डालेंगे। इस तरीके से इन्हें हल्का ब्राउन होने तक हम तलेंगे। देखिए, ये अपने आप तली को छोड़ दिए हैं, और हम धीरे से इन्हें पलट देंगे। ये देखिए, अभी थोड़े ब्राउन होने लगे हैं। इन्हें आप बहुत धीमी आंच पर मत तलिएगा, इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप तलिएगा। और ये सिके हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए ये हमने एक टूथपिक लिया है, और इन्हें ऐसे चेक कर लिया, इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये पक चुके हैं। और फिर अब हम इन्हें तेल से बाहर कर लेंगे। और एक टिश्यू पेपर लगे हुए प्लेट में हम इन्हें रख देंगे, बाकी को भी हम इसी तरीके से तल देंगे। ये देखिए, हमारे धुस्का अब बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें आप आलू टमाटर की सब्जी के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस बार आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिए।